जैसे ये एक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जी ये इसी साल सिविल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसमें होमोजीनियस फंक्शन है, ये देख लीजिए वाई और एक्स का क्या है, रेशियो है। ठीक है, वाई और एक्स का यहाँ पे रेशियो है, इसका भी डिग्री वन है और इसका भी डिग्री वन है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए करके दिखा देते हैं आप लोग को। सबसे पहले ये होमोजेनियस है या नहीं, इस सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे पहले हमें फॉर्म चेक करना है, लीनियर है या नहीं है उसको हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। लीनियर मींस क्या, पावर वन होना चाहिए। तो लीनियर है या नहीं उसको चेक करेंगे, अगर लीनियर है तो उसको आप फॉर्म जो है होता है वो चेक करेंगे। ऑर्डर और डिफरेंस, ऑर्डर और डिग्री अगर वन है तो उसके बाद देखेंगे कि वो चार फॉर्म था हमारे पास, वो चारों में से कौन से फॉर्म में है। तो फॉर्म अगर चेक कर लेंगे तो जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये होमोजेनियस के फॉर्म में है, तो होमोजेनियस वाला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे, और जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है वहां पे पुट कर देंगे वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा वाई, देखिए वाई की जगह क्या किए वी एक्स पुट किए, तो वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो वी एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, वी प्लस 10 वी। ठीक है, 10 वी ये हो गया। अब वी से वी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 10 वी के बराबर। अब हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, एक्स को हम ये क्या हो जाएगा 1/10 वी इंटू डी वी इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए वन दोनों साइड फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे 1/10 वी, यानी कि क्या हो गया, कॉट वी, कॉट वी डी वी इसको इंटीग्रेट करना है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x डी एक्स। तो कॉट वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोई बताइए जल्दी, कॉट वी का इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा, कॉट वी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस वी बाय साइन वी डी वी इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट कर ही देते हैं हम लोग, एल एन एक्स प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन को हम लोग पुट करते हैं टी, तो उसका हमारे पास डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग देख रहे थे कि जब ऊपर डिफरेंशिएशन इसका प्रेजेंट होता है तो हम लोग नीचे वाले को टी पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसको टी पुट करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 1/t इंटू डी टी के फॉर्म में आ जाएगा ये, तो 1/t dt के फॉर्म में आ गया, तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln इंटू टी हो जाता है। तो ln t, t के जगह पे क्या होगा, साइन वी, तो ln इंटू साइन वी हो जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको सबसे पहले आप लोग इंटीग्रेशन में चेक कर लीजिएगा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जब हम लोग चेक कर रहे थे तो उसमें हम लोग इसको देखे थे, ln साइन वी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln एक्स प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ गया हमारे पास, देखिए इसको हम लोग ln x को हम इस साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा, ln साइन भी माइनस ln x इक्वल टू c। अब log में माइनस है, log का डिफरेंस, ये डिफरेंस है, तो हम लोग इसको को क्या कर लिख सकते हैं, ln साइन वी बाई एक्स इक्वल टू c लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। और सी एक कौन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सी कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको देखिए सबको एक लॉग के फॉर्म में ही लिख देना तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक कांस्टेंट ही, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग लेके लेकर के चल रहे थे ना, ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो सबके जगह क्या कर दीजिए, ln सी कर दीजिए, ये भी ln सी होगी। ठीक है, तो ln सी अगर करेंगे तो यहां से कीजिए या फिर इधर से कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं, तो साइन भी बाय एक्स क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो x इंटू सी क्या हो गया साइन, और v तो हमने क्या किया था माना था, ठीक है, एग्जैक्टली v जो है कोई टर्म है नहीं हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हमने माना था, उसको अगर मानेंगे उसको अगर रिप्लेस करना होगा हमें, तो v इक्वल टू क्या जाएगा y बाय एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे y बाय एक्स, ठीक है, ये जो है हमारा एक सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जितना है उतने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे देखिए एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ना सी, तो जितने ऑर्डर उतने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है हमारे पास, तो क्या आ गया ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा साइन वाई वाई एक्स इक्वल टू एक्स सी, साइन वाई वाई एक्स इक्वल टू एक्स सी, देखिए ऑप्शन डी में है ऐसा, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे कोई स्टेप में अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल एन एक्स प्लस एल एन सी है, तो यहाँ भी हम लोग एक्स सी लिख सकते हैं, एक्स सी इक्वल टू एल एन एक्स सी, ठीक है, एल एन एक्स सी इक्वल टू साइन वी, यानी कि साइन वी इक्वल टू फिर से यहाँ यही टर्म आ जाएगा हमारे पास, साइन वी इक्वल टू एक्स सी के बराबर आ जाएगा, और वी को हम लोग वाई वाई बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। किसी तरह की कोई परेशानी हो कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिए इसको, क्लियर है। क्लियर है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।